नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जेतू आचार्य। राहु देते हैं बीमारियां, राहु देते हैं एंजाइटी, राहु देते हैं स्ट्रेस, राहु आपको गुमराह कर देते हैं, राहु आपके ऊपर केस लगा देते हैं, राहु आपकी दवाई नहीं लगने देते हैं। भाई राहु हैं, क्या कर रहे हैं आपके साथ? ऐसा क्या कर दे रही है राहु आपके साथ? और अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें आपके साथ हो ही रही हैं, तो क्योंकि राहु का बदलाव ये हुआ है और ये बड़ा चेंज है, ये आपके लिए 1.5 साल कहीं नहीं हिलने वाले इसी राशि में रहने वाले मीन राशि में। टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही YouTube चैनल पर लाइव जुड़ सके। तो चलिए आज बात करते हैं अब अपने और मीन राशि में जब इनका बदलाव हुआ था। हाँ, एकदम बदलाव जब करते हैं, जब आपको किसी दूसरे घर में फटाक से भेज दिया जाए, एक सेकंड के अंदर आपका सारा सामान शिफ्ट करके दूसरी जगह बिठा दिया जाए, तो वो उथल पुथल मच जाएगी ना आपके जीवन में भी। तो कुछ ऐसी उथल पुथल उनके अंदर भी मच चुकी है, बट आप उसे शांत तो कर सकते हैं। अगर आप पूरे के पूरे 1.5 साल तक लगभग अपना जो एटमॉस्फेयर है अच्छा रखना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, अगर किसी कारण से आप बीमार हो गए हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, विदेश यात्राएं चाहते हैं, कोई आपको गुमराह नहीं करे ये चाहते हैं, आपको कोई स्ट्रेस एंजाइटी ना हो ये चाहते हैं, तो राहु के उपाय कर लीजिए ना, क्योंकि लंबे समय तक ये यहां रहेंगे। छोटी छोटी एनर्जीज हम खुद स्वयं क्रिएट कर सकते हैं, छोटी छोटी एनर्जीज हम अपने इर्द गिर्द स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। राहु के छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपके राहु जो है आपको बहुत कुछ दे देंगे। विदेश यात्राएं तो सबसे पहले करा देंगे। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि पढ़ाई करने के लिए हमने विदेश में जाना है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम ट्रेवल करने के लिए विदेश में जाएं, या फिर कई बार कुछ थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड चीजें करने के लिए भी वो जाते हैं, बहुत सारी चीजें का ज्ञान लेने के लिए भी वो विदेश यात्राएं करते हैं, कुछ एक नए एटमॉस्फेयर की वो नॉलेज लेना चाहते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के कहने के मतलब कि अगर आप विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बार बार एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, कोई आपको गुमराह कर देता है, कोई आपको बेवकूफ बना देता है, आपके मन के अंदर सुकून बिल्कुल नहीं है। सुकून और शांति तो वैसे आप भगवान के साथ जुड़ करके ही पा सकते हैं, ये तो आप स्वयं आप कहीं खरीद खरूद नहीं सकते हैं, कोई पैसे जो है इसकी कीमत लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो लगभग 1.5 साल तक जब राहु की प्लेसमेंट इसी राशि में है, मीन राशि में ही है, तो आपको थोड़े से उपाय जो है वो जरूर करने चाहिए। काल पुरुष की कुंडली का ये 12वां भाव हो जाता है और 12वां भाव आपके हॉस्पिटल का, हॉस्पिटैलिटी का भी है। तो यानी आप विदेश यात्राएं घूमना, ऐश करना ये सब भी है, लेकिन ये हॉस्पिटल का भी है, डॉक्टरों के चक्कर भी लग जाएंगे। लेकिन डॉक्टरों के चक्कर लगे अगर बीमारी है तो जाना ही पड़ता है, मेडिसिन खानी ही पड़ती है, लेकिन मेडिसिन लग जानी चाहिए, इसका उपाय जरूर होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे 5 उपाय, इसे अगर आप रूटीन में थोड़ा सा ढाल लें, लगभग 1.5 साल तक आप इन सारी समस्याओं से बाहर रह सकते हैं। सबसे पहला उपाय आपको बता दें, जब भी आप उठे सुबह तो आप धरती को स्पर्श करना शुरू कर दीजिए। उठते ही हम लोग कई बार बिस्तर पर बैठ करके फोन पकड़ लेंगे या कुछ, मतलब पहली एनर्जी जो देखिए आपके पास कौन सी आ रही है, पहली एनर्जी आपकी राहु की ला रहे हैं आप, यानी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल। उठते ही सबसे पहले फोन टक करके खोलते हैं और बस फिर देख लेते हैं, देखते भी क्या है, कई बार कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज आपके पास आ जाती है जिससे आप चिढ़ जाते हैं, तो राहु तो आप खुद ही अपने आसपास बुला दे रहे हैं ना। तो उठते ही सबसे पहला जो स्पर्श है वो धरती का करना शुरू करिए। दूसरा काम, स्नान जरूर कीजिएगा। अब सर्दियों में तो पसंद नहीं होता ना स्नान करना,
तो आप सोचते हैं बच जाते हैं, दोपहर को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, क्योंकि हमने ऐसा है रात की ड्यूटी की हुई है। तो उससे क्या हुआ, रात की ड्यूटी की है, स्नान तो करना चाहिए। देह शुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मानसिक शुद्धि, देह शुद्धि, ये यहाँ की शुद्धि भी चाहिए होती है विचारों की। तो उसके लिए तो पूजा भक्ति करिए, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बना। अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी की लेयर करिएगा ही नहीं तैयार। दूसरा उपाय, आपने स्नान जरूर करना है। तीसरा उपाय, बेजुबानों के लिए कुछ काम जरूर करना है, यानी स्ट्रीट डॉग, पशु पक्षियों के लिए आप कुछ पानी का, कुछ खाने का इंतजाम ये जरूर कीजिए। गौ माता का स्पर्श अगर आप कर सके, चौथा उपाय कि गौ माता का स्पर्श कीजिए। गौ माता को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, एक रोटी, चपाती बना करके भी दे सकते हैं, पालक, चारा, कुछ चीजें आप उन्हें दे सकते हैं। स्पर्श करने से राहु शांत होता है। और पूरे दिन में एक बार एटलीस्ट किचन में जरूर जाइए, चक्कर जरूर काटिएगा। हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग ना सर्वेंट मेड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कर देंगे, बन के आ जाएगा, यहाँ पे टेबल पे लगा लगाया आवाजें लगाएंगे, ये सामान ला जाओ, ये सामान दे दो, ये यहाँ पे रख दो, इतनी सारी चीजें तो खुद ही तो हम क्रिएट कर रहे हैं। कहते हैं जो लोग किचन में एक बार पूरे दिन में, वैसे तो बैठ करके खाना खाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एटलीस्ट किचन का एक राउंड लगाना तो शुरू करिए। यहां भी राहु शांत होते हैं। कबूतरों को बाजरा डालना, ये बड़ा अच्छा होता है, शनिवार के शनिवार डालना चाहिए। वैसे ये तो नहीं कह सकते कि आप पशु पक्षियों को सिर्फ पर्टिकुलर डे ही फिक्स कर दीजिए। हाँ, कोई खास समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए तो आपको पर्टिकुलर डे बताए जाते हैं, लेकिन आप रेगुलर भी अगर इस तरीके के कर्म करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और पूरा अगर लगभग 1.5 साल आपने शांत रहना है, 1.5 साल आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है, एक शांति बनाए रखनी है, खुश रहना है, गुमराह नहीं होना है, भटकना नहीं है इधर उधर, तो नुकसान नहीं करना है धन का, तो आपको इन चीजों के उपाय करना जरूरी है। तो राहु के ये उपाय कीजिए तो 1.5 साल लगभग आप आनंद पाइए, बिना स्ट्रेस के जिंदगी काटिए, बिना परेशानियों के जिंदगी काटिए, और अपने जीवन को खुश बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि पहले तो 12 बजे बिस्तर छोड़ने वाला आदत जो है इसे बंद कीजिएगा। राहु क्या करेंगे, अब राहु आकर के आपको बिस्तर से निकाल तो नहीं सकते कि उठिए उठिए उठिए, वो तो आपको खुद को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उठते ही आप पहले दूसरों की फोटो देख रहे हैं तो उसमें राहु क्या करेगा, उसमें तो आपने अपने पास राहु बुला लिया ना, आपने इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल सुबह सुबह बिस्तर पर ही कर लिया, तो आप सोचिए आप पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, वो गुमराह करेगा, वो आपके माइंड को इधर उधर लेकर के जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों के आपके उपाय करने हैं, ताकि आपके पास एक अच्छी हेल्दी एनर्जी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, ना कि नेगेटिव एनर्जी आए, और ना आपका राहु कुछ बिगाड़ पाए। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।